हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए विदर्भ स्पेशल चिंचवनी रेसिपी लेकर आई हूँ। आप सोच रहे होंगे ये रेसिपी तो अक्षय तृतीया को बनती है, लेकिन अब कैसे, समर स्पेशल में आनी चाहिए थी। ये बात भी सही है, लेकिन ये रेसिपी हीट मेंटेन करती है, तो आप इसे अगर आपके शरीर में हीट ज़्यादा हो तब भी आप ये रेसिपी बनाकर खा सकते हैं। इसे आप गरम गरम सूप की तरह भी पी सकते हैं, या फिर फ्रिज में ठंडा करके चिल्ड भी पी सकते हैं। चलो फिर रेसिपी को शुरू करते हैं इंग्रेडिएंट्स के साथ। यहाँ पे मैं आधा कटोरी इमली ले रही हूँ। इसे मराठी में चिंच बोलते हैं, इसीलिए इसे चिंचवनी रेसिपी ऐसे करके कहते हैं। इसे हम 2 घंटे पानी में भिगो कर रखेंगे। आप चाहे तो ठंडा पानी भी ले सकते हैं, और अगर जल्दी हो तो गर्म पानी का यूज़ कीजिए। नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट, यहाँ पर मैंने वाह्याचा मुळ्या मतलब कि खस, और 2 विड़ैची पाने मतलब कि जिसका हम पान बना के खाते हैं, वो 2 पान लिए हैं बड़े वाले। और पान पे जितना चूना लगता है उतना हम उसे लगा लेंगे, क्योंकि उसकी क्वांटिटी हमें उतनी ही लेनी है जितनी पान को लगती है। और इसी के साथ हम कत्था भी लेंगे, इसे काद बोलते हैं, वो भी हम पान के साथ जितना लगाते हैं उतना ही डालेंगे। इसी के साथ हमें सुपारी भी लगेगी, यहाँ पर मैं फ़िलहाल रख देती हूँ। हमें बस एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए सुपारी का। चावल जो मैंने रात भर भिगो के रखे थे, चावल से हमारी चिंचवनी गाढ़ी होने को मदद मिलेगी। दक्षिण भारत में चावल का यूज़ करते हैं, विदर्भ में भी कहीं कहीं चावल का यूज़ करते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इमली बहुत ही खट्टी होती है, इसलिए हम आधी कटोरी इमली के लिए 2 कटोरी शक्कर ले रहे हैं। आप 2 कटोरी शक्कर की जगह 2 कटोरी गुड़ भी ले सकते हैं। 2 चम्मच कसा हुआ नारियल, 5 इलायची। देखिए यहाँ पर हमें इन सारी चीज़ों को मिक्सर में से निकाल लेना है। खस को मैंने कट कर लिया है, चावल, और यहाँ पे मैंने थोड़े से सुपारी के टुकड़े लिए हैं। इसे हम थोड़ा सा क्रश कर लेंगे ताकि ये मिक्सर में से आसानी से निकल पाए। ये जो खाने वाला पान रहता है उसे हम नागिन का पत्ता बोलते हैं। इससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। ये पत्ता हमारा खाना भी जल्दी से पचा देता है, और मैंने ऐसा सुना है कि गले की खराश जो रहती है खांसी की वजह से, या फिर वैसे भी अगर हमारा गला दुखे, तो ये गले की खराश पर बहुत ही रामबाण उपाय है। सारी चीज़ें मिक्सर में डल गई है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे मिक्सर में से निकाल लेंगे इस तरह से। अब हम इसे एक छलनी से एक बाउल में छान लेंगे। आप बड़ी छलनी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम मिक्सर के बर्तन में भी पानी डाल के उसे भी हम छलनी में डाल देंगे और छान लेंगे। आप देख सकते हैं जनरल रेसिपीज़ में जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, इसमें थोड़े से इंग्रेडिएंट्स अलग हैं, लेकिन ये रेसिपी टेस्टी और हेल्दी भी रहती है। इसके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं जो मैं आपको रेसिपी के चलते बताती जाऊंगी। इस तरह से हमारा मिक्सचर छानना हो गया। अब हम इमली को भी इसी तरह छान लेंगे। इमली को भिगोए हुए 2 घंटे हो गए हैं। अब हम इसे चम्मच की मदद से या फिर हाथों की मदद से अच्छे से स्क्वीज़ कर लेंगे। अगर इसमें इमली का बीज नहीं रहा तो आप इसे मिक्सर में से भी निकाल सकते हैं। ये स्क्वीज़ हो गया। अब हम इसे वही बाउल में छान लेंगे। मेरी छलनी छोटी पड़ गई है, इसलिए हम इसे 2 बार छान लेंगे। आप चाहे तो बड़ी छलनी भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एक बार में इसका इमली का पल्प पूरी तरह नहीं निकला है, इसलिए हम इसे फिर से पानी में डालेंगे, थोड़ा सा स्क्वीज़ करेंगे और फिर से छान लेंगे। इमली के मेडिसिनल यूजेस भी हैं। इसमें जो टार्टरिक एसिड रहता है उसमें बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारे बॉडी सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। इमली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छे से मेंटेन करता है, यह हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी रहती है, ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव करता है, और आँखों की हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। देखिए इस तरह से हमने इमली को छान लिया है। अब हम भिगोए हुए चावल भी मिक्सर में से निकाल लेंगे। चावल ग्राइंड करते वक्त मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। देखिए इस तरह से हमने चावल ग्राइंड कर लिए हैं। अब हम गैस पर एक बर्तन रख देंगे और इसमें 1.5 चम्मच घी डाल देंगे। घी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, 1 चम्मच भी चलेगा। उसके गर्म होते ही हम इसमें चिंचवनी का जो बनाया हुआ पानी था वो डाल देंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे और इसमें कंटिन्यूसली चम्मच घुमाते हुए अब हम इसमें ग्राइंड किया हुआ चावल भी पानी डाल के डाल देंगे और फिर से चम्मच घुमा देंगे। गैस को हम मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे ताकि ये जल ना जाए, और इसमें कंटिन्यूसली चम्मच घुमाना है। थोड़ा सा पकने के बाद हम इसमें 1/2 लीटर पानी डाल देंगे और गैस को बड़ी फ्लेम पे कर देंगे।
अब हम इसमें दो कटोरी शक्कर डाल देंगे। आप इसकी जगह दो कटोरी गुड़ भी डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। अब हम इसमें कसा हुआ नारियल और इलायची पाउडर भी डाल देंगे। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और एक बार चम्मच घुमाते हुए इसे 5 मिनट तक पकने देंगे। हमें इस पर ढक्कन नहीं रखना है। 5 मिनट बाद देखिए बहुत ही प्यारा कलर आया है इसका। अभी और थोड़ी देर हम इसे ऐसे ही पकाएंगे और चम्मच घुमाते रहना है ताकि ये नीचे चिपके ना। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी चिंचौनी गाढ़ी हो रही है, इसीलिए हम इसमें और थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं। अगर आपको ये चिंचौनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा चावल भी भिगो कर डाल सकते हैं, या फिर नहीं भी डाले तो भी चलेगा। एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, चिंचौनी बनाने की बहुत सारी रेसिपीज़ होती है। मेरे घर पर जिस तरह से बनती है वो रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। आप इसमें शुरुआत में घी में जीरा भी डाल सकते हैं, तीखा भी डाल सकते हैं, इसमें चारौड़ी भी डालती है और बहुत सी चीज़ें हैं जो रीजन्स के हिसाब से उसके इंग्रेडिएंट्स में भी बदलाव आता है। 10 से 12 मिनट हमें चिंचौनी को उबालने में लग गए हैं। अब देखते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी आई है। इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। सो हमारी चिंचौनी पक गई है और अब हम इसे खाने के लिए सर्व कर लेंगे। इस चिंचौनी रेसिपी को हम कुरुड़ी के साथ, पूरी के साथ, काफ़ी घारिया, अम्बड़ घारिया, वो पूरी के प्रकार रहते हैं, उनके साथ भी खा सकते हैं। और आप इसे सूप की तरह गरम या फिर ठंडा भी खा सकते हैं। चिंचौनी खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।